हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पैजामा कट प्लाजो की कटिंग बताने जा रही हूँ। जो एक नाप मेरे पास रखा हुआ है, इस नाप का जो हेल्दी लेडीज़ लोग हैं उनके लिए ये नाप सही बैठता है। ठीक है, तो इसका जो कमर है 45 इंच। कमर बड़ी है यहाँ पे, और ये हिप वाला है ये भी बड़ा है, तो ये जो है अच्छी हैवी लेडीज पहन सकती है। ठीक है, और ये पैजामा कट, ये जो है ये पैजामा कट बॉटम है और प्लाजो। ठीक है, तो ये मैं आपको ये प्लाजो बना के दिखा रही हूँ। आजकल सलवार के बदले यही ज़्यादा पहना जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाप है, इसकी लेंथ ले लेते हैं यहाँ से। ये इलास्टिक लगी हुई है, ये जो है ये इलास्टिक लगी हुई है, इसको छोड़ के यहाँ से पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 45 45, और यहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेंगे, ये 1 इंच ज़्यादा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा लेंगे, 2 इंच ज़्यादा लेंगे यहाँ इलास्टिक के लिए। ठीक है, तो पूरा हो गया है 48 48 के लगभग ये पूरी लेंथ हो जाएगी। और यहाँ से इसका जो बॉटम रहेगा, फोर्टीन इंच जो स्टिच भी है साथ में, सिलाई के साथ में 14 इंच है ये। ठीक है, तो 13 इंच उसका बॉटम ले लेंगे, 1 इंच उसका सिलाई ले लेंगे, तो ये 14 इंच हो गया है। और यहाँ से इसका जो सीट का उतार है, ये जो सीट का उतार, ये सीट का उतार वैसे काफ़ी लंबा है, 20 इंच है यहाँ से यहाँ, ये 20 इंच है। ठीक है, लेकिन उसका भी एक कारण है, 20 इंच वो ऐसे हुआ है ऐसे, तो पहले जो है ये सीधा लेंगे, ऐसा सीधा लेंगे, उसके बाद यहाँ से 2 इंच 3 इंच जो ज़्यादा होता है वो चीज़ सब मिला के ऐसे हुआ है। ठीक है, तो उससे ये इसकी सीट का उतार ज़्यादा है। ठीक, अब मैं ये आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। और ये जो है ये हिप, ये 15 इंच है, यहाँ तक कि ये 15 इंच है। ठीक है, तो मैं ये अभी आपको कटिंग करके बता रही हूँ और फिर स्टिच करके भी दिखाऊंगी। ये रहा लाइनिंग जो 2 मीटर का है, ये साटन है फैब्रिक, और ये 2 ढाई मीटर, ये जो है ये 2.5 मीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, अब यहाँ से इनकी जो कमर है, ये कमर ले लेते हैं 15 इंच, ये 15 इंच कमर हो गई है। और ये सीट का उतार 2 इंच जो है वो इलास्टिक के लिए ले लिए हैं, ये 2 इंच जो है वो कमर के लिए, इलास्टिक के लिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ इसको लेंगे 18 इंच, सीट क्योंकि थोड़ी ज़्यादा नीचे है, क्योंकि ये हैवी शरीर के लिए सीट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती, 18 इंच। फिर यहाँ पे 2 इंच, ये 2 इंच ये। ठीक है, फिर यहाँ पे
1 इंच ऐसा लेंगे, फिर ये कर्व दे देंगे। ये कर्व दे देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से जो इसका बॉटम है, ये 15 इंच, वैसे उसमें 14 था लेकिन इसमें लाइनिंग जुड़ेगी तो ये 15 इंच इसकी जो है चौड़ाई। फिर यहाँ से इसमें ऐसा जोड़ देंगे, ठीक। अब मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये साटन फैब्रिक है, थोड़ा पिन अटैच करके और फिर इसकी कटिंग करना, ठीक है। ये ऐसा काटेंगे, यहां से फिर इसका ये कर लेंगे। जो ये 2 इंच है ये इलास्टिक के लिए, यहाँ से नॉच लगा दिए। ये प्लाजो की कटिंग हो गई, अब लाइनिंग काटेंगे। ये प्लाजो की कटिंग हो गई है, ये ऊपर साटन है और नीचे केबीसी है, ठीक है। साटन के साथ वैसे केबीसी लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है कि दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। अब ये कटिंग हो गई है, अब मैं आपको इसका स्टिच करके दिखा रही हूँ। अब ये जो लाइनिंग, ये लाइनिंग है ये, और ये साटन है फैब्रिक दोनों, तो अब मैं इसको जोड़ के दिखा रही हूँ आपको। पहले ये दोनों अटैच कर लेंगे और पिन से ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पिन अगर लगा लोगे तो आपकी जो सिलाई है वो बहुत अच्छे से होती है, कपड़ा फिसलता नहीं है। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे जो मैं आपको आगे नई नई चीज़ें बताने वाली हूँ तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मुझे। और ये प्लाजो जो है ये पैंट कटिंग वाला है, और मैंने एक जो घेर वाला जो नीचे बॉटम रहता है घेर वाला अम्ब्रेला कटिंग का, वो मैं आपको पहले एक ग्रीन कलर का दिखा चुकी हूँ।
दोनों प्लाजो में लाइनिंग और ये दोनों तैयार हो गई है। ये अब इसका सीट का उतार जोड़ेंगे। दोनों पल्ले को इसको इसको पकड़ के ये और ये सीट का उतार। ये एक साइड का सीट का उतार जोड़ लिए। यहाँ से इलास्टिक आएगी, ये मोड़ेंगे। अब ये इस साइड का जोड़ेंगे। ये प्लाजो दोनों साइड अटैच हो गया। ये सीट का उतार और ये अब ऊपर से जो है पहले ऐसा मोड़ेंगे, ये फोल्ड करेंगे, इसमें इलास्टिक लगेगी। ये पहले ऐसा फोल्ड कर दिए। ये अब यहाँ पे 2 इंच का ये 2-2 इंच का जोड़ लगाएंगे, फिर यहाँ से इलास्टिक। अब ये इलास्टिक ऐसा जोड़ेंगे। फिर उसको ऐसा खींचते जाएंगे। ये इलास्टिक लग गई है और इलास्टिक लगा के फिर इसको फोल्ड करके ऐसा सिलाई लगा दी है यहाँ से। ये पहले यहाँ पे लगाया, उसके बाद फिर उसको फोल्ड किए और यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद ये बॉटम है, इसको जो इस
अब इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, अब इसको पहले एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे। अब फिर इसको एक बार और इतना फोल्ड करेंगे। ये हो गया बॉटम, अब इसको ऐसा जोड़ेंगे। ये प्लाजो बनके तैयार हो गया है और ये बड़े साइज का है। ये है पैजामा कट प्लाजो।